ये देखो ये दोनों, ये जिया ये पिया, ये अंजलि, ये अंजलि, ये है, ये अंजनी है। इनका नाम ऐसा है ना कि हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या बोलती है मेरे को बताओगी, क्या बोलती है? भाभी। क्यों बोलती हो भाभी? अच्छी लगती है। अच्छी लगती भाभी, अच्छी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग का सुबह और गुड मॉर्निंग सब हो चुका है। सुबह में सूट नहीं कर पाई, बच्चों की क्लास चलती है, मोबाइल भी फ्री नहीं रहता है, इस वजह से सूट नहीं हुआ। अभी ब्रेक है इसलिए मैं सूट कर रही हूँ। तो अभी हम लोग एक बार चाय पी चुके हैं, बट ये देखिए ये मठरी, आप लोग भी खाते होंगे ये। हम लोग सुबह टोस्ट वगैरह खा लिए, पर अभी पापा जी ने ये मठरी दी ना, तो हम लोग से नहीं रहा गया। अब वो चाय के साथ बहुत अच्छी लगती, तो हम लोग फिर से चाय बनाई। 11 बज रहा है, 11 बजे फिर चाय बनाई, और अब चाय के साथ हम लोग ये खाएंगे और थोड़ा एंजॉय करेंगे। आप भी आ जाइए, आप भी खा लीजिए। हेलो दोस्तों, शाम हो चुकी है, देखिए शाम हो गई है, और दिन में हमारे यहाँ गेस्ट आ गए थे, तो उस वजह से मैंने सूट नहीं किया। अब अभी गए हुए हैं वो, अभी हमारी मम्मी जी भी गई हुई हैं देवरानी को लेके डॉक्टर के पास। तो ये हमारे यहाँ का तुलसी का पेड़ अभी परसों ही लगाया है, चल गया है। अभी मैं लेके आई थी अपने घर से, तो वो सूख गया था। ये तुलसा कोट में लगा हुआ, ये पूरा सूख गया है, और भी 10-12 गमलों में लगी हुई है तुलसी। हमारे यहाँ तुलसी बहुत है, पर वो सारी सूख गई है। अभी पूजा तक के लिए नहीं थी, तब ये पापा ने मंगवाई है, अभी लगवाई है, अभी अच्छी हो रही है। अब देखो इसका क्या होता है, चल जाए तो अच्छा है भगवान। ये देखो ये दोनों, ये जिया ये पिया, ये अंजलि, ये अंजलि, ये है, ये अंजनी है। इनका नाम ऐसा है ना कि हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या बोलती है मेरे को बताओगी, क्या बोलती है? भाभी। क्यों बोलती हो भाभी? अच्छी लगती है। अच्छी लगती भाभी, अच्छी नहीं लगती है भाभी? अच्छी नहीं लगती, अच्छी लगती है। देख के दिखाओ कैसी लगती है भाभी। ये देखो इतनी प्यारी लगती है, ये देखो, ये देखो इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है भाभी। एक साथ इतना प्यार, बाप रे, बस बस ज़्यादा नहीं। और मम्मा कहाँ गई हुई है? मम्मी रूम में है, तैयार होने। रूम में नहीं गई हुई है, मम्मा चली गई डॉक्टर के पास। आप लोग कहाँ थे? ऊपर, इसलिए मम्मा चली गई इनकी। बड़ी मम्मी ने मुझे इधर पेन लगा दिया। अच्छा, बड़ी मम्मी ने? ये आपका ये गिर रहा था ना कैप, इसलिए लगा दी होगी। हाँ। है ना? और तो, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, अभी अपन एंडिंग नहीं कर रहे हैं, जो सब्सक्राइब कर, पर बोल दो कि जो भी देख रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। जो भी हम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज, है ना, और लाइक करें और शेयर करें और बटन दबा दिए जी, बेल आइकन वाला, है ना, बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, ये मूली की भाजी हमारे यहाँ बनती है बॉइल्ड होके, तो आप बताना आपके यहाँ कैसे बनती है? ठीक है, अच्छी बना है। और ये चाची बना रही थी, ये तेल है, और क्या भी डालना है? चाची राई डाल रही हैं, डालो राई, थोड़ा सा जीरा और हल्दी, 1 टेबल स्पून हल्दी, सब कुछ 1 टेबल स्पून चाहिए। अब क्या करना है? आज व्लॉग ज़्यादा शूट नहीं हो पाया फ्रेंड्स, सॉरी। बुआ आ गई थी इसलिए नहीं हो पाया। जैसे मुझे भाजी अच्छी नहीं लगती तो मैं नहीं खाती, मैं दाल खा लेती हूँ, दाल दाल चावल बहुत टेस्टी लगती है। नहीं खाती हो तो बात है, मुझे नहीं अच्छी लगती बिल्कुल। अच्छी बनाओगी तो अच्छी नहीं लगेगी, उसमें लगता ही नहीं कि नमक कहाँ से है मुझे। नमक मुझे नहीं पड़ती तो फिर क्या करना, नमक नहीं पड़ता, पड़ता है पर दादी कम खाती है, तो कम डालते हैं नमक। खिचड़ी की वजह से एक वीडियो अपनी और ख़राब हो गई थी। हम लोग के हिसाब से अब हमें सीधा सीधा नमक खाते हैं, तो कितना डालना है? 1/2 टेबल स्पून। चलाने की कोशिश करते हैं। ये कितनी मस्त हो रही है, ओह माय गॉड। सो फ्रेंड्स, ये लोहे की कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई में हमारे इसलिए भाजी बनती है वाली।
ये सोनी सोनी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, इसलिए ब्लैक है लेकिन बहुत अच्छी भी लगती है। तो रात को हम आने हैं, संध्या आरती हो गई है, ये देखिए शंकर जी। मैं पूरा टूर दे दूँ चाची, अभी एक बार में चाची हम आपको अपने, और गोपाल जी को ठंडी लग रही है चाची, टोपी का है इनके। चलिए आज गुरुवार था इसलिए यहाँ येल्लो पहनते हैं सारे भगवान, तो सब लोग येल्लो पहने। देखिए ये हमारे गोपाल जी हैं, ये राधा कृष्ण हैं, और ये छोटे गोपाल जी हैं। ये दो गोपाल जी उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। और ये राधा राधा दुर्गा जी की फोटो, ये कौन सी बात है चाची? आपको यही नहीं पता है क्या? भगवान है, वही नहीं पता, लक्ष्मी जी हैं। ये राधा कृष्ण जी हैं, ये हनुमान जी हैं, और ये भगवान, ये सत्यनारायण भगवान जिनकी चाची पूजा करती है लेकिन अब नहीं करती है, पता नहीं क्यों। और ये अपने कौन सी हैं, ये भगवान जी हैं, ये भी शंकर जी, और ये यहाँ पे, और ये हमारा ये किचन इतना बड़ा है जैसे कि कमरा है। मैं आपको ये बंद करके दिखाती हूँ, चलो दिखाते हैं। ये देखिए मैं आपको पूरा पीछे देती हूँ, देखो यहाँ से एंटर होते हैं, ये आगे रूम में जहाँ बाबा बैठते हैं, तब गेस्ट रूम है। ये फ्रिज है, फ्रिज के अंदर क्या है, सामान है फ्रिज, और ये बर्तन की डाली है, दादी की दवाई का थैला, ये एक्स्ट्रा सिलेंडर हम लोग के यहाँ रहता है, तो बस हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। और ये दादी मूली किसके लिए रखी है? अभी सब्जी दादी दादी अपने लिए सब्जी बनाएंगी, कि उनको ये उनकी अलग टेक्निक है बनाने की। और यहाँ से फिर से बाहर चले जाते हैं, ये गेट तरफ आ जाते हैं। चलो रात हो गई, अभी मुझे डर लगता है बहुत। चलो मैं वो करती हूँ, ठीक है बैक करते हैं। तो दादी के लिए कम नमक वाली भाजी निकाल रहे हैं, अभी चलो डालेंगे नमक और सॉल्ट डालेंगे, ये दादी के लिए इतनी ठीक है, अब डालेंगे। चलो अब दाल बननी है इसलिए सब्जी थोड़ी सी बननी है, मूली रहती बहुत सारी है लेकिन हो इतनी सी जाती है इतनी। स्टार्ट। तो फ्रेंड अब मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ, यही पे एंड करती हूँ। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा, और मेरे को सपोर्ट करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।